कि शाम को 5:30 बजे अनाउंस हो कि अवाम के दिलों के वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद खान यादी साहब अडियाला जेल से बाहर आ रहे हैं और 2 घंटे बाद लाहौर पहुंच रहे हैं मीनार पाकिस्तान, क्या कहेंगे? स्टेट की सारी मशीनरी लगा ली लेकिन उस एक आदमी को तोड़ नहीं सके, वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, वो डरा नहीं, उसने डरा के रखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ एक पीटीआई की वर्कर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आप लोगों को घर में कोई काम नहीं है, 11 बजे ज्यादा देते हैं और 12-1 बजे आप लोग यहाँ मेला लगा लेते हैं और मेला लूटने की पूरी कोशिश करते हैं, क्यों? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्यों किया आपने? क्या हम लोग जलसे भी क्यों आए? हाँ, क्यों आए आप? आपके घर में कोई काम नहीं है, कोई रोटी, कोई सालन, कोई सब्जी? नहीं नहीं, हमें कोई घर में कोई कुछ तो काम होता खातून को? हम बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, घर में काम करके फिर उसके बाद ही हम जलसे पे आए हैं, घर के काम ही छोड़ते। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ की इन्होंने मजबूरन इजाजत दी है क्योंकि उनको पता था की मोमेंटम बन चुका है लाहौर में, लोगों ने रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। जब 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 आप आवाम को रोक नहीं सकते, जब आवाम का समंदर निकलता है ना तो फिर आपको किसी की ताकत रोक नहीं सकती। तो उन्होंने सिर्फ अपने आप को क्लीन करने के लिए जो है ना फेस सेविंग की है इजाज़त देकर। अगर इन्होंने इजाज़त देनी होती बड़ा दिल करके तो मीनार पाकिस्तान की इजाज़त दे, हमेशा पीटीआई की बात इनको नहीं। वो बेसिकली पता कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान इजाज़त क्यों नहीं दी? क्योंकि यहाँ से जाती उम्र करीब है तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जाती हैं कि जब आप लोग यहाँ से जलसा करके वापस जाएँ तो आप लोगों को वहाँ पे खाने पर मधु किया जाए, आप लोगों का ख्याल किया जाए, मीनार पाकिस्तान तो बहुत दूर है, आप उनके खलूस को क्यों ठकराती हैं? नहीं देखे, कान के जो चाहने वाले हैं ना, जो पाकिस्तान के चाहने वाले, वो पटवारी नहीं है, वो एक प्लेट बिरयानी पे नहीं बिकने वाले, नान पे नहीं। लेकिन मरियम नवाज तो आप लोगों को वेलकम करना चाह रही है ना, प्रोटोकॉल देना चाह रही है, आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? वो प्रोटोकॉल देना चाहती है तो उससे बस मैं इतना कहूंगी की अगर आप प्रोटोकॉल देना इतना ही चाह रही है तो प्लीज कंटेनर मत लगाना, इतना खौफ इतना डर आपको है किस चीज का? आप लोग इजाजत दे के सिर्फ खाना पूरी करते हो, अगर आपको इजाजत ही देनी होती तो फिर कंटेनर मत लगाया करो, अगर कंटेनर ही लगाए तो फिर इजाजत क्यों? वो कंटेनर इसलिए लगाते हैं कि अगर बाहर से कोई फोर्स आ जाए या बाहर से कोई लोग आ जाए तो आप लोगों को तंग ना कर सके, आप लोगों को सिक्योरिटी प्रॉपर दी जाए, वो तो आपका ख्याल करते हैं। पीटीए की बार अभी रिसेंटली मौलाना फजल रहमान को इजाजत मिली है, आठ को मिली है, तो वहाँ ना तो कंटेनर नजर आए ना तो पुलिस। वो तो मौलवी है ना, वो आप मम्मी डैडी बच्चे हैं, वो मौलवी हैं तो मम्मी डैडी बच्चों का ख्याल करते हैं ना, बेसिकली हमारा ख्याल नहीं करते, वो जो अडियाला में बैठा 8 से 4 कैदी है ना, हाँ। उससे डरते हैं, उसको उनको पता है कि उसने एक कॉल दी हुई है और वो तो देखा ना जी, हर जर्नलिस्ट कहता है पार्लियामेंट के अंदर, अपने MNMP कह रहे हैं कि सारी जमातें इकट्ठी कर ली, सारी फोर्सेज इकट्ठी कर ली, स्टेट की सारी मशीनरी लगा ली लेकिन उस एक आदमी को तोड़ नहीं सके, वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, वो डरा नहीं, उसने डरा के रखा। ये तो कॉमन से वर्ड हो गए, इसके अलावा कोई बात बताएं हमारे नाज़रीन को? ये तो पार्लियामेंट में भी लोग बात कर रहे हैं, नेशनल चैनल्स में भी बैठ के बात कर रहे हैं। आपकी 76 साल में पहली दफा ऐसा कोई मर्द का बच्चा मिला है कि जिसने सबको ऊपर से लेकर नीचे तक को नथ डाली हुई है, ना पार्लियामेंट उसका कुछ कर पा रही है, ना बड़े अदारे कुछ कर पा रहे हैं, हर कोई चाहता है कि वो चुप करके साइड पर नुक्कड़ लग जाए, लेकिन आप यकीन करें उसको नुक्कड़ लगाते लगाते सारे नुक्कड़ लग गए। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके साथ दो ताकतें हैं, एक अल्लाह की ताकत है जो सबसे बड़ी है ताकत, और दूसरी उसके साथ आवाम की ताकत है। आज वो इतने डट के खड़ा है तो सिर्फ इन दो ताकतों की बेस पे खड़ा है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि इस जलसे के बाद क्या खान साहब अडियाला से बाहर आ जाएंगे? राहें हमवार हो सकती हैं, क्योंकि देखें अवाम किस तरह की राहें हमवार हो सकती हैं? जब अवाम बाहर निकलती है ना, जब रोड पे अवाम आती है ना नजर, तो ये एक प्रेशर बिल्ड होता है आपकी रियासत पर, आपकी रियासत को जब एक भटकती है ना रियासत, तो अवाम ही है जो उसको राय रास्त पे लाती है। अवाम का एहतजाज करना आपकी रियासत को कॉल देना होता है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बेहतर है कि अभी से इसको संभाल लें, नहीं तो फिर जब अवाम की ताकत। अच्छा, आपका क्या ख्याल है 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन करवाने वाले ने देखा नहीं है कि अवाम ने उनकी ताकत को रिजेक्ट कर दी है? तो देखिए, अवाम ने जिन लोगों ने इलेक्शन को रिग किया है उनको भी रिजेक्ट कर दिया है, देखा नहीं उन्होंने? आपका क्या ख्याल है? मैं बताती हूँ, देखा उन्होंने, देखा तो 47 फॉर्म निकला ना, 47 फॉर्म 76 सालों में किसी ने भी नहीं सुना था, हमने पहली दफा सुना है, ये इस नौजवान नस्ल ने पहली दफा सुना है, और जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता लग गया, पता लग गया ना। अगर बाकी लोगों को पता भी होगा तो पहले इतना हाइप नहीं क्रिएट था, लेकिन उन्होंने अब बता दिया कि हम आने वाले दौर में या फ्यूचर में हमें याद होगा कि वन फॉर्म 47 पे भी नजर रखनी है। मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली अवाम का सड़कों पर आना इस कदर जरूरी है क्योंकि ये मुल्क जिस हालात में जा रहा है, जिस डगर पे चला गया है, वहाँ से अवाम ही है जो वापस ला सकती है। और अगर इमरान खान साहब की अवाम ये पाकिस्तान रिहाई चाहता है तो उसके लिए मैं सिर्फ एक इल्तजा करूँगी अपनी पाकिस्तानी कौम से, अपने पाकिस्तानी अवाम से, अपने लाहौरियों से कि प्लीज़ आप लोग निकलें। मैं नहीं कहती कि आप जलसे गाह पे पहुँचें,
आपके लिए अगर पहुंचना मुश्किल है तो लेकिन आप सड़कों को जरूर भरें। जैसे कि आप लोगों ने 10 अप्रैल 2022 में बगैर किसी कॉल के आपने बाहर निकलकर बड़े अवानों को बता दिया कि आपने जो कर दिया है इस बार वो बहुत गलत किया है। तो अभी भी ये वक्त है सबको बताने का कि जो आप इस वक्त कर रहे हो ना 2-2.5 सालों से, वो बहुत गलत कर रहे हैं और इसके लिए आप लोगों का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने सही कहा कि आवाम को निकलना चाहिए अपने हक के लिए। मुझे एक बात बताएं, आपको कैसा लगेगा अगर 30-31 की शाम को 5:30 बजे अनाउंस हो कि आवाम के दिलों के वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद खान यादी साहब अडियाला जेल से बाहर आ रहे हैं और 2 घंटे बाद लाहौर पहुंच रहे हैं मीनार पाकिस्तान, क्या कहेंगे? स्पीचलेस मोमेंट होगा। मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकूंगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो, हमें वो दिन देखना नसीब हो कि जब अपने इमरान खान को जिसकी हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं उनको बाहर लाने के लिए वो हमारे सामने हो। टॉप द बेस्ट इंशाल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। हमारे कुछ रिसोर्सेज ने हमें ये बताया है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।